गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम योहन्ना का छठवा अध्याय और वर्स वचन 68 को पढ़ेंगे। और आज के डिवोशन का शीर्षक इस प्रकार से होगा कि प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाए। तो वचन को पढ़ते हैं। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे समय आ सकते हैं जहाँ पर हमें लग सकता है कि विश्वासी जीवन सामर्थ्यहीन है। परमेश्वर के पीछे चलना या वचनों के अनुसार जीवन जीना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कष्टदायक है। हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जीवन जिए। ये बातें पॉसिबल है क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है इस चीज को नहीं जानते। इस कारण हम दुविधा में पड़ सकते हैं। और वचन 68 में जब पतरस यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाए क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास ही, उसके पहले के वचनों को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह उनको खाना भी खिला रहे, यीशु मसीह उनको वचन भी सिखा रहे और एक जगह पर यीशु मसीह उन्हें सिद्धांत सिखाते कि यीशु मसीह कहते कि जब तक तुम मेरा मांस और लहू खाओगे और पियोगे नहीं, तो वहां पर उनको ठोकर लग जाती है और चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। और जो बचे हुए चेले हैं, यीशु मसीह उनकी ओर देखकर कहते हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? और पतरस यहाँ पर यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु तुझे छोड़ के हम कहाँ जाए क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास ही है। आसान शब्दों में समझा जाए तो पतरस यीशु मसीह से कह रहे कि परमेश्वर तेरे बिना हम जी नहीं सकते, परमेश्वर तेरे बिना हमारे जीवन को कोई भी महत्व नहीं है, परमेश्वर तेरे बिना हमारा जीवन मानो अंधकार है। इस प्रकार से हम इस वचन को समझ सकते हैं। और बहुत आसान है कि हमारे मन में यह सोच आना कि मैं परमेश्वर के बिना जीवन जी सकता हूं। आप कहेंगे ऐसा कोई एक एग्जांपल मुझे बताइए, तो इसका जीवित उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजा सुलेमान। सुलेमान राजा जिसके बुद्धि की चर्चा सारे विश्व में थी, परमेश्वर ने उसे अद्भुत बुद्धि से नवाजा था, आशीषित किया था। और सुलेमान अपने जीवन के एक ऐसे समय में आके पहुंचता है कि वो सोचता है कि मैं परमेश्वर को छोड़ के जीवन जी सकता हूँ। और वो सात अलग तरीके से जीवन जीता है। पहला तरीका है धन, संपत्ति, व्यापार, युद्ध, पत्नियां, बुद्धिमत्ता और राजनीति। इन सारे तरीकों से सुलेमान परमेश्वर को छोड़ के जीवन जीने की कोशिश करता है। और जब मानो परमेश्वर सुलेमान पूरी तरह से बुढ़ा है, उसके मुंह में दो ही दांत बचे हैं, सबोपदेश किताब वो लिखता है। और वचन, हम सबोपदेश का पहला अध्याय और वचन 2 को पढ़ेंगे। देखो, जो मनुष्य परमेश्वर को छोड़ के सात अलग तरीकों से जीवन जीने की कोशिश कर रहा था, वो अपने जीवन के अंत में क्या लिखता है? उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। यानी वो कह रहा है कि मैं अगर मेरे जीवन से परमेश्वर को बाजू में रखूं तो मैं जीवन नहीं जी पाऊंगा, या उस जीवन का मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा, उस जीवन के महत्व को मैं नहीं समझ पाऊंगा। और ये हमारे लिए भी एप्लीकेशन है, ये हमारे लिए भी एक सिद्धांत है कि हम परमेश्वर को छोड़ के जीवन नहीं जी सकते। हाँ, हमारे जीवन में चढ़ाव उतार आ सकते हैं, परिस्थितियां खराब हो सकती है, सुधर सकती है, बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर हमारे साथ है। और शिमोन पतरस यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु तुझे छोड़ के हम कहां पर जाएं। जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए कि परमेश्वर से दूर होकर जीवन जीने की कोशिश करूं या अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार जीवन जीऊं, तो एक वर्ष को हमेशा याद रखना जहां पर परमेश्वर आपको एक बहुत ही, आई थिंक मुझे भी और आपको भी, एक बहुत ही बड़ा वादा देते हैं। यहोशू का पहला अध्याय, यहोशू का पहला अध्याय और वचन 5 को पढ़ो, वो पढ़ता हूं मैं आपके लिए। उस वचन में इस प्रकार से लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ते नहीं और हमें त्यागते नहीं। जब भी आपके मन में विचार आए तो पतरस की बात को याद रखना कि परमेश्वर, हे प्रभु तुझे छोड़ हम कहां जाए, क्योंकि जीवन के वचन
तेरे पास ही है। तेरे पास ही वो वचन है जो हमारे आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं, जो हमें जीने के लिए एक नई आशा दे सकते हैं, जो हमारी अगुवाई कर सकते हैं। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।